अल्लाह वबरकतु। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का आखिर मकदम है। क्या कर्नाटक में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? कौन बनेगा कर्नाटक का एकनाथ शिंदे? आज इसी पर तबसरा करते हैं। यकीनन आपको इस सवाल पर ताज्जुब लग सकता है, लेकिन हासिल इत्तला के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियां जारी होने की बातें धीरे धीरे गश्त करने लगी। हकीकत कितनी हो सकती है, इसकी तस्दीक तो सच्चाई मंजर आम पर आने के बाद ही देख सकते हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ऐसा बताया जा रहा है। आखिर इस बार कर्नाटक में एकनाथ शिंदे का किरदार कौन निभा सकता है, इसकी चर्चा लेकिन जारी है। जाहिर है अंदरूनी अख्तलाफात इसकी वजह बनने जा रही है। वैसे इससे पहले भी अख्तलाफात देख चुके हैं। हाल ही में दिल्ली का दौरा कुछ सियासी लीडरों ने किया और नायब वज़ीरे आला के ओहदों पर और दो लोगों को फाइज किया जाए ऐसा मुतालबा किया, और जिसकी दलील उन्होंने तेलंगाना की दी, जिसमें बेलगाम के जिले वजीर सतीश जारकीहोली का भी नाम लिया जा रहा है। खैर, कुछ लोगों ने आज भी अपना मुतालबा पेश करते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली को डीके शिवकुमार की तरह नायब वज़ीरे आला बनाने का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इससे पहले भी इस तरह का मुतालबा मुख्तलिफ तंजीमों इदारों की जानिब से किया गया था। अब इस बात को लेकर कहीं तो डीके शिवकुमार नाराज होने की बात कही जा रही है। वजीर आला सिद्धरामैया के करीब सतीश जारकीहोली है, और कहीं तो कांग्रेस के आला लीडरों की कोशिशें मेहनतों से तेलंगाना में जीत भी दर्ज की गई है, ये भी सच्चाई है। पर अंदरूनी अख्तलाफात भले ही सामने न आ रहे हो, लेकिन कहीं तो आग लगी हुई है और उसका धुआं नजर आ रहा है। कांग्रेस की कश्ती में सेंध लग सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि डीके शिवकुमार जिस तरह सरगर्म रहना था उतने नजर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कुछ लीडर भाजपा के राबते में नहीं है, यकीनन है, और नाराजगी दूसरे पार्टी की तरफ माइल होने की वजह भी बन सकती है, और इसके पहले भी हमने देख चुके हैं किस तरह कांग्रेस ही का कोई लीडर भाजपा में जाकर कश्ती को डुबा देता है। अब एक बार फिर कर्नाटक के सियासी नाटक को देखा जा सकता है, ऐसी चर्चा जारी है। भाजपा ने इससे पहले भी कांग्रेस मुक्त भारत की तहरीक चलाई थी, लेकिन कांग्रेस को इस तरह खत्म करना उतना आसान नहीं है, ये भी भाजपा को समझ में आ रहा है। और खासकर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की अक्सरियत से जीत इस बात की दलील कह सकते हैं। भाजपा गैर संवैधानिक तरीके जितने हो सकते हैं उतने इख्तियार करती रहती है। अब डीके शिवकुमार पर ईडीआईटी के छापे मुस्तकिल पड़ रहे हैं, और इसके पीछे भी भाजपा के साथ कुछ कांग्रेस के भी लीडरान अपनी जाति दुश्मनी निकालने पर तुले हुए हैं, ऐसी बातें बताई जा रही है। रमेश जारकीहोली और डीके शिवकुमार तनाजा वैसे भी काफी पुराना है। पीएलडी बैंक को लेकर तनाजा हुकूमत गिराने तक पहुंच चुका था। खैर, हुकूमत गिरने के बाद बड़े ही नाटकीय अंदाज में सरगर्मियां जारी रही। सीडी मामले में रमेश जारकीहोली की बदनामी और फिर ओहदे से हाथ भी धोना पड़ा। अब एक और मुसीबत रमेश जारकीहोली के सर आई हुई है। रमेश जारकीहोली के खिलाफ वीवीपुरम बेंगलोर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तकरीबन 440 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। 8 जनवरी को यानी कि इसी हफ्ते में मामला दर्ज किया गया। पूरे जिले में जारकीहोली भाइयों का दबदबा होने की बात कही जाती है, पर जिस तरह सिलसिलेवार मामला पेश आ रहे हैं, कहीं तो इनके सियासी किरदार पर इसका असर जरूर देखा जा सकता है। खैर, बात रियासत में फिर से तख्ता पलट की है, और कर्नाटक में अब एकनाथ शिंदे कौन बन सकता है इसकी भी है। तेलंगाना में नई हुकूमत आई है, तो यहाँ पर 5 नायब वजीर आलाओं को बनाया गया है, लिहाजा इसी नहज पर कर्नाटक में भी बनाए जाए इस तरह की मांग की जा रही है। जाहिर है मिसाल तेलंगाना की दी जा रही हो, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में नाराज उम्मीदवारों की फहरिस्त तवील है, और अपने अपने लॉबियों के जरिए दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा में भाजपा की जीत यकीनी बताई जा रही है, क्योंकि राम मंदिर जैसे जज्बाती मौजू के जरिए भाजपा वोटरों को रिझाने में लगी हुई है। खरीदो फरोख्त के साथ सरकारी एजेंसियों को पीछे लगाकर मुकदमों के जरिए हुकूमत गिराने का हुनर भाजपा अच्छी तरह से सीख चुकी है, और इसमें अब माहिर भी बन चुकी है। जो भी हो, लेकिन इस बार हुकूमत गिरती है तो आवाम को फिर से धोखा देने के बराबर हो सकता है, और सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। और इस बात को मुसलमानों को समझना होगा कि मुसलमानों का सिवा अल्लाह के और कौन फुरसान हाल हो सकता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि सत्ता और रुपए की लालच में जमीर फरोश लोग हुकूमत गिरा देते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, या महाराष्ट्र कर्नाटक में हो, क्योंकि अब सोच और फिक्र मायने नहीं रखती, आइडियोलॉजी कोई हैसियत नहीं रखती। अब सत्ता में बैठने के लिए तमाम चीजों को गिरवी रखा जा सकता है, फिर जमीर उसूल और सोच और फिक्र की कोई हैसियत है भी नहीं। एक बार फिर कर्नाटक की सियासत की चर्चा भले दबे अंदाज में ही क्यों ना हो, पर जारी है। लेकिन कौन बनेगा कर्नाटक का एकनाथ शिंदे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक की हुकूमत बची रहे, सिद्धरामैया वजीर आला के खिदमत बखूबी निभा रहे हैं। मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया हुआ है, और अकलीतियों की फला बहबुदी को ज्यादातर बढ़ावा दे सकती है, ऐसी उम्मीदें भी हैं। पर कहीं तो सिद्धरामैया हुकूमत दबाव में भी है कि कहीं अपनी ही कश्ती डुबोने की फिराक में तो नहीं है, पर खबरें या अफवाहें गश्त तो कर रही है। हकीकत और बदलते हालात का महज इंतजार ही कर सकते, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें।
कुछ अहम खबरों पर एक नजर। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव 5 फरवरी को होना है और इसकी कोशिश सत्ताधारी भाजपा की जानिब से भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है ऐसा लगता है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जा सकता है और इसी के जरिए कॉरपोरेशन को चलाया भी जा सकता है, इससे इतला हासिल हो रही है। बीजापुर कॉरपोरेशन में भी इसी तरह मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में ताखिर की गई और फिर ऑपरेशन हस्त चलाया गया। लिहाजा क्या बेलगाम में भी इसी तरह मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को मुलतवी कर ऑपरेशन हस्त चलाया जाएगा? खैर, इसकी उम्मीद बहुत कम इसलिए भी कह सकते हैं, भाजपा अपने तमाम कॉरपोरेटरों को मुत्तहिद रखने की कोशिश में लगी हुई है। भले फिलहाल कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में है, पर विधानसभा के बाद यहाँ भी क्या हो सकता है कह नहीं सकते। लिहाजा विधानसभा चुनाव पर भी कुछ लोगों की नजरें हैं। 5 फरवरी को कॉरपोरेशन में मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे क्या, इसकी भी चर्चा शहर में देखने को मिल रही है। आजकल देर रात तक शादियों में डीजे लगाने की रस्म बेलगाम शहर में पाई जा रही है। लिहाजा काकती लक्ष्मी नगर में पुलिस ने डीजे बंद करने के लिए कहा तो पुलिस ही पर हमला किया गया। लिहाजा काकती पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया और 3 लोगों को हिरासत में लेने की कार्रवाई जारी है। मांझरी गांव में 11 मोरों की मौत। मोर को कौमी परिंदा नेशनल बर्ड कहा जाता है, लिहाजा कृष्णा नदी किनारे 11 मोर एक साथ मरे पाए। मोरों की मौत होने की वारदात यहां जो पेश आई, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी तफ्तीश जारी है। जहरीला खाने की वजह से मौत हुई होगी ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है। 10 दिन का अन्नोत्सव का मेला अब अख्ताम पजीर पर है। यहाँ पर बेलगाम वालों की भीड़ बड़ी तादाद में देखने को मिल रही है, पर यहाँ कुछ लोगों को ठगने की वारदात भी पेश आ रही है ऐसा बताया गया। झूले में बैठने के लिए भी काफी लोगों की दिलचस्पी देखी जा रही है, पर टिकट लेते वक्त ज्यादा रकम ली जा रही है, ऐसी फरियाद कुछ लोगों ने हमारे चैनल को फोन के जरिए बताई। लिहाजा रोटरी क्लब वालों को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, ऐसा भी मुतालबा आवाम की जानिब से बारहा किया जा रहा है। कर्नाटक में मराठी बोर्ड निकालने की मुहिम के खिलाफ महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोल्हापुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की जानिब से कन्नड़ बोर्डों पर कार्रवाई करते हुए देखा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।